हाय दोस्तों, चलो आज आप लोगों को जीएसएम के बारे में बताते हैं। अगर आपके पास स्पेसिमेन की साइज़ बहुत छोटी हो, जिसको हम जीएसएम कटर से भी नहीं काट सकते, तो उसका जीएसएम हम लोग कैसे निकालें विदाउट एनी डिले। लेट्स स्टार्ट द सैम्पलिंग। मेरे पास तो इनफ फैब्रिक है, लेकिन मैं स्मॉल साइज का स्पेसिमेन बनाऊँगा, जिसकी साइज़ मैं लूँगा 5x5 सेंटीमीटर का, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। 5x5 सेंटीमीटर का मार्किंग करने के बाद आप सीजर की हेल्प से सैंपलिंग कर लीजिए, जैसा कि मैं करने वाला हूँ। अगर आपके पास स्मॉल स्पेसिमेन है तो ये बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप किसी भी फैब्रिक से स्मॉल स्पेसिमेन कट कर सकते हैं। फैब्रिक को कट करने के बाद आप इसका मेजरमेंट लीजिए कि कितना इसकी लंबाई है और कितनी इसकी चौड़ाई। जैसा कि मैंने बताया था, मैं 5x5 सेंटीमीटर का लंबाई इंटू चौड़ाई लूँगा, तो उस बेस पे मैं मेजरमेंट चेक कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा 5 सेंटीमीटर का वार्प और वेफ्ट दोनों आ रहा है। नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग इसका वेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वेइंग बैलेंस, और जो रीडिंग आई है उसको नोट कर लीजिए। जैसा कि मेरी रीडिंग 0.65 ग्राम आई है, तो मैं इसको नोट कर रहा हूँ। एंड एज यू सीन अर्लियर, आवर स्पेसिमेन साइज इज 5x5 सेंटीमीटर, वो भी हम नोट कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसएम का फार्मूला होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर, इट मींस 1 स्क्वायर मीटर में कितना ग्राम। चलो हम जीएसएम के फार्मूलों को लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ दोनों चीज़ मिल चुके हैं जो कि इस फार्मूला में यूज होता है, ग्राम्स भी मिल चुका, लंबाई और चौड़ाई दोनों भी मिल चुका है आपको, बट हमारा लेंथ एंड विड्थ सेंटीमीटर में है, तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एज यू नो दैट 1 meter is equal to 100 centimeter. Then what we do? 1 centimeter is equal to 1/100 meter. तो कितना आएगा? तो 1 centimeter बराबर 0.01 meter आएगा। तो इस बेस पे हम लोग 5 centimeter को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम देखेंगे 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने में कितना आता है। 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने पर 0.05 meter आएगा। अब हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो इन दोनों चीज़ को फार्मूला में यूज करते हैं, ग्राम्स को और मीटर को। तो चलिए ग्राम्स और मीटर का मान हम लोग जीएसएम के फार्मूला में यूटिलाइज करते हैं। .65 / 0.05 × 0.05 चलो कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेशन करते हैं। मैंने सबसे पहले 0.05 × 0.05 का मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करने पे आया है 0.0025। तो फाइनली 0.65 / 0.0025, इन दोनों को डिवाइड करने पे हमारा आया है 260 ग्राम। ये हमारा जीएसएम हुआ।
फाइनली आपका GSM आया है 260 ग्राम। मैंने जो GSM निकाला है ये सही है या गलत है इसका क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। तो हम चलते हैं प्रीवियस सैंपल जो हम लिए थे बिग साइज का, उसका हम GSM कटर से कट करके और वेट करके चेक करेंगे। अगर दोनों मैच करता है देन वी कैन से हमने जो स्मॉल साइज का फार्मूला यूज किया था GSM निकालने के लिए वो सही है। तो मैं सेम फैब्रिक से GSM कट कर रहा हूँ। तो मैंने स्पेसिमेन कट कर लिया है, अब इसका वेट करेंगे। वेट करने पे हमारा रीडिंग 260 ग्राम ही आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी रीडिंग पहले वाले से मैच कर रहा है, क्योंकि पहले भी हमारी 260 ग्राम आई थी और ये भी 260 ग्राम आई थी, मतलब वो फार्मूला सेम था। तो आप लोग भी बिना GSM कटर की मदद से किसी भी फैब्रिक का GSM निकाल सकते हो।